Le otro, otro uno. Despacio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना माहिर हमारा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आपका अपना लाइफ स्टाइल हेल्थ चैनल में सब देखने वाले किसान दोस्तों को और भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जानवरों के नाक से जो खून निकलता है जिसे आम जुबान में नकसीर कहा जाता है, अगर हम वेटनरी की जुबान में देखें तो इसको हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस, यानी कि नेजल ब्लीडिंग, नाक से खून निकलना। और बाज़ात ये इतना जानलेवा हो जाता है कि जानवर की जान जो है वो चली जाती है इसमें। आज इसके शाफी इलाज के बारे में भी बात करेंगे और इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका इलाज आपने क्या करना है और इमरजेंसी में आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी वजूहात पर कि नाक से जो खून निकलता है। सबसे पहली जो सूरत हाल इसमें होती है वो ये है कि नाक को कहीं अगर चोट लग गई है उसकी वजह से भी नाक से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता है। कभी नाक में अल्सर हो जाए तो उसकी वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ात अगर किसी इंजेक्शन की वजह से या किसी जानवर के काटने की वजह से या किसी कीड़े के काटने की वजह से एलर्जी हो जाती है या जानवरों को किसी पोलन वगैरह से एलर्जी है तो नाक में पोलिप निकलाते हैं। पोलिप का मतलब है नाक में छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, उनसे भी उनकी वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ात नाक में एब्सेस यानी कि फोड़ा फिंसी अगर बन जाए कहीं ऊपर करके तो उससे भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और खुदा न खास्ता कहीं नाक में कैंसर अगर हो जाता है जानवर के तो उसकी वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ात अगर खून में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो उसकी वजह से भी जो है नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और साइंटिफिकली हम उसको ये कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है जानवर में। और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो फिर भी जो है जानवर का खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर उल्ली का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम माइकोटिक इन्फेक्शन कहते हैं, अगर आप जानवर को बहुत ज़्यादा उल्ली खाने के लिए उल्ली वाली खुराक जानवर खा रहा है या उसके इर्द गिर्द माहौल में उल्ली बहुत ज़्यादा है तो अगर वो नाक में चली जाती है तो नाक में इन्फेक्शन काज करती है, उसकी वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ात बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी मामला यह रहता है, जैसे कि घोड़ों में ग्लैंडर्स की वजह से भी नाक में खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ात खून को जो जमाने वाले अवामल होते हैं अगर उनमें कहीं कमी बेशी हो गई है तो उसकी वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ात अगर हवा जो है उसमें नमी का तनासब बहुत ज़्यादा कम है और हवा खुश्क है तो खुश्क हवा की वजह से जब नाक में जो नमी होती है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और नाक में क्रैक्स पड़ जाते हैं। उस क्रैक्स की वजह से इनके उसके भी दरारें पड़ जाती हैं, नाक की जो झिल्ली होती है उसकी वजह से भी खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अहम चीज़ आपको मैं बताऊँ कि अगर कुछ फार्मर हजार जो हैं अगर अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा गंदम खिला रहे हैं या मकई का चोखर जो है या मकई की खल आजकल चूँकि फील्ड में बहुत ज़्यादा आम है अगर वो इसको ज़्यादा खुला रहे हैं तो फिर होता क्या है कि जानवर में एसिडिटी जो है वो तेजाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस तेजाबियत की वजह से जो मेदे में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो वाले बैक्टीरिया जो कि तेजाबी माहौल में ज़्यादा परवरिश पाते हैं जब वो अगर नाक की तरफ आते हैं तो फिर उनकी इन्फेक्शन की वजह से भी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और बाज़ात तो अक्सर ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता कि इसकी बेसिक वजह क्या है तो नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब वजह जो भी हो इसको हमने खून के रोकना है, अगर हम खून को वक्त पर नहीं रोकेंगे तो जाहिर है जानवर की मौत हो जाएगी और कीमती जानवर ज़ाया हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से जो खून निकलना है ये बाइलेटरल या यूनिलेटरल यानी कि या तो कभी एक नाक से निकल होता है या कभी दोनों नाक से निकल रहा होता है। और बाज़ात ये ऐसे निकलता है जैसे एक कतरा निकला और पाँच छः मिनट के बाद दूसरा कतरा निकला, फिर 5-6 मिनट के बाद दूसरा कतरा निकला और बाज़ात 10-10 मिनट का वक्फे पड़ जाता है। ये जो सूरत हाल होती है ये इतनी ज़्यादा गंभीर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और बाज़ात एक एक मिनट के बाद एक एक कतरा निकलना शुरू हो जाता है, इसको भी आसानी से काबू किया जाता है। और जो बहुत सवियर और जो ख़तरनाक सूरत हाल होती है उसमें ये होता है कि दोनों नाक के जो रस्ते हैं अगर उनसे बहुत तेज़ी के साथ खून आ रहा है यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बिल्कुल लेयर निकल रही है खून की लगातार बाहर, ऐसे जानवर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं आपने इलाज मुआवजे में अगर थोड़ी ताखीर कर दी है, अपना कोई देसी टोटका आपने आजमाना शुरू कर दिया तो टाइम जो है बहुत जल्दी से गुजर जाता है। अभी आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजा की तरफ। सबसे पहला इमरजेंसी में जो फार्मर हजार आपने इलाज करना है वो है बर्फ़ की टकोर। आपने डायरेक्ट जो है या तो यख ठंडा पानी लेके नाक की जो हड्डी है उसके ऊपर आपने डालना है और बेहतर यही है कि बर्फ़ का पूरा टुकड़ा आप ले लीजिए, उस टुकड़े को आप नाक की हड्डी के साथ उसको 10-10 मिनट की टकोर करें यानी कि एक घंटे में 3-4 मरतबा 10-10 मिनट की आप टकोर करें। बर्फ़ से ये होगा कि जो खून की नालियाँ हैं उनका साइज छोटा हो जाता है और खून वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, इस तरह खून बंद हो जाता है। अभी आ जाते हैं इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ।
अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट का आपको बताने का मकसद ये है, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को काफ़ी सारे जो यंग डॉक्टर हजरात हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं, और कुछ हमारे काफ़ी सारे जो हैं मोस्टली वो पढ़े लिखे फार्मर हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि हमें पता चले इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन जो इलाजनॉलॉजी की ट्रीटमेंट है ये आपके डॉक्टर ने ही करनी है, यानी कि आपने अपने डॉक्टर को हर सूरत में आपने बुलाना है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको बुनियादी तालीम देना। अभी इलाज मार्जी में आ जाते हैं। सबसे पहले जो इलाज मार्जी में ट्रीटमेंट होगी वो है कैल्शियम। सबसे पहले आपने जानवर को कैल्शियम देनी है बजरिया नस, क्योंकि कैल्शियम जो है ये खून को जमाने में बहुत ज़्यादा मुआवन और कारगर साबित होती है। इसके लिए मार्केट में मिलफोन सी के नाम से बड़ी मशहूर मारूफ है, ये 300 से 450 ml जो है वो आपने बजरिया नस जो है वो लगा देनी है। दूसरा इसमें आ जाता है इंजेक्शन ट्रांसामिन। इंजेक्शन ट्रांसामिन है ये भी खून को रोकने में बहुत ही मददगार मुआवन साबित होता है। ये इंजेक्शन ये आपने लेना है 500 मिलीग्राम का। 500 मिलीग्राम के जो 5 से 6 एम्प्यूल हैं बड़े जानवर के लिए वो इस्तेमाल होंगे दिन में 2 से 3 मरतबा। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है, खून नहीं रुक रहा, तो फिर आपने इसको 3 दिन में 3 मरतबा लगाना है। अगर खून की शिद्दत कम है तो आपने सुबह शाम इसको लगाना है। इसके बाद आ जाता है विटामिन के। विटामिन के जो है ये भी खून को रोकने के लिए बहुत ही मददगार मुआवन साबित होता है। मार्केट में ये जो विटामिन के है ये 1 ml की एम्प्यूल यानी कि 1 cc का एम्प्यूल आता है, और उसमें 10 मिलीग्राम विटामिन के होता है। बड़े जानवरों की जो खुराक है वो 100 से 110 मिलीग्राम सुबह शाम आपने लगाना है, और ये इंट्रा मस्कुलर लगाना है आपने। ट्रांसामिन है ये इंट्रावीनस यानी कि बजरिया नस भी लग सकता है, और इसको आप बजरिया गोश्त यानी कि इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हैं, लेकिन जो विटामिन के है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रा मस्कुलर ही लगेगा। इसके बाद आ जाता है कि आपने नाक में जानवर के रुई वगैरह जो है या जो बैंडेज है पट्टी वगैरह इसके आपने फाहे बनाकर वो नाक में आपने देने हैं। और बेहतर यही है कि आप बैंडेज ले लें, पट्टी ले लें, उसके ऊपर आपने डायरेक्ट जो है इंजेक्शन ट्रांसामिन जो है, अगर आप 2 एम्प्यूल उसके इंजेक्शन ट्रांसामिन के उस पट्टी के ऊपर डाल के और नाक में आप उसको दे देते हैं और 10 से 15 मिनट रखेंगे, तो इससे भी खून के बंद आने के जो चांसेस है वो बहुत अच्छा है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एपिनेफ्रीन है एक मेडिसिन, उसके आपने कम से कम 1 एम्प्यूल जो है वो डालना है, और 2 एम्प्यूल उसमें डिस्टल वाटर के डाल के आपने पट्टी के ऊपर लगा देना है, उसको भी आपने नाक में देना है। ये भी जो खून की नाड़ियां था उनको सुकेड़ देता है, कम कर देता है। एपिनेफ्रिन कहते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन चूंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर ने अपने हिसाब से लगाना है, क्योंकि अगर इसकी डोज खुराक ज़्यादा हो जाती है तो खून बंद होने की बजाय ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत कारगर मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी के दौरान ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर दोनों नथनों से दोनों नाक के सुराखों से खून आ रहा है तो आपने दोनों जो नाक के नथने हैं उसमें एक ही टाइम पर वो पट्टी या जो रुई है उसका जो आपने फाया बनाना है वो इकट्ठे नहीं देने, बल्कि पहले एक नाक का खून बंद करना है फिर दूसरे नाक में। अगर आप एक नाक में इस्तेमाल करना चाहते हैं 10 मिनट के लिए एक नाक में रखें, उसको आप बाहर निकाल लीजिए, फिर दूसरे नाक में दूसरी पट्टी मेडिसिन बना के उसके दूसरे नाक में दे दें। दोनों नाक में आपने इकट्ठी नहीं देना, क्योंकि जानवर को बाज़ अवकात सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ जाती है, और अगर खुदा ना खासा सांस में दिक्कत पैदा हुई और साथ ही खून निकला तो बड़ा मसाइल जो है इसे बन जाते हैं। और बाज़ अवकात इतनी शिद्दत होती है इस मर्ज़ की, जैसे आप इसमें आप देख रहे हैं कि नाक से तो खून निकल रहा है लेकिन उसके जानवर के मुंह से भी साथ ही खून आ रहा है निकल के। तीसरी जो लास्ट वाली बात है वो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजूहत में तेजाबियत बहुत ज़्यादा है, इसमें हो जाता तेजाबियत की वजह से ये मामला हो जाता है। तो इसके लिए आपने मीठा सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम आपने एक डोज जानवरों को एक आज खिला देनी है, एक आपने कल खिला देनी है, ताकि अगर एसिडिटी की वजह से हो रहा है तो फिर भी वो मामला हल हो जाए। आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगे तो आप अपने किसान भाइयों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। और दूसरा इसमें इन्फेक्शन, चूंकि माइकोटिक का मैंने बताया उल्ली की वजह से, अगर उल्ली की वजह से हो गया तो आपका डॉक्टर साहब जो है वो बेहतर समझते हैं उल्ली के लिए उन्होंने साथ क्या इस्तेमाल करना है। जानवरों के लिए हम पेंटासल्फेट का इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है वो भी इसमें इस्तेमाल होंगी। हाँ, दूसरा ये है कि जब नाक में जख्म हो जाते हैं उसकी वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है, किसी वजह से वो जख्म हो जाए तो फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे और इस तरह जानवर की ज़िंदगी बच सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। नए आने वाले जो साथी हैं वो हमारे चैनल लाइफ स्टॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारी लाइफ स्टॉक फैमिली का हिस्सा बन सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।